जहां मुल्क एक तरफ तरक्की की राहों पे और टेक्नोलॉजी की राहों से परवान चढ़ रहा है, वही साइबर सिक्योरिटी का जो खतरा है, जो हैकर्स है, वो पीछे नहीं रहते। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिए हर एक कोशिश कर रहा है कि तरक्की की राहों पे हम लोग सबसे आगे होने चाहिए, सबसे अव्वल नंबर पे होने चाहिए, वही अगर इसी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी पॉलिसी स्पेशली साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो हैकर्स ने प्रधानमंत्री का भी अकाउंट नहीं देखा। जी हाँ, आपको पता होगा कि वो भी एक मंजर था जब प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैकर्स के जरिए हैक करा। लेकिन इसमें आमजन की भी साइबर सिक्योरिटी को काफी ज्यादा ब्रीच होने का खतरा होता है, और जिसके चलते देखें तो किस तरह जो मरकजी हुकूमत है वो किस तरह इन सिचुएशंस को टैकल करते हैं। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी या ऐसी सुरताल सोशल मीडिया की वजह से, या हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी का ब्रीच होता है तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें मैं आपको आज बताऊँगी कौन सा ऐसा सेंटर है, कौन से ऐसे नंबरात हैं जिन्हें आप डायल करके आप अपने लिए और अपने अपनों की साइबर सिक्योरिटी को महफूज से महफूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकजी वजीर अमित शाह की। तो मरकजी वजीर अमित शाह की तरफ से साल 2020 में साइबर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का जो क्याम है वो अमल में लाया गया, जिसमें कई सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई, जिसमें सबसे पहले आपको बताऊं कि इसमें जो कंपोनेंट्स है 14C जिनको बोलते हैं, वो वही कंपोनेंट्स है जिनमें बताया गया है कि नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट जो एनालिसिस है इसका एक यूनिट बनाया जाता है। उसके बाद ये यूनिट एक रिपोर्ट बनाती है और उस रिपोर्ट के चलते मैनेजमेंट यूनिट कायम किया गया है जो ये देखता है कि कहां पर किस तरीके से अगर किसी की कोई साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है। इसके साथ ही एक लेबोरेटरी इकोसिस्टम भी बनाया गया और इसके चलते प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर लोग आसानी से अपनी साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको बताओ कई ऐसे लोग, कई ऐसी लड़कियां होती है जो सोशल मीडिया पर कई ऐसे बंदूक का या कई ऐसे लोगों का शिकार होती है, जिस वजह से वो लोग या तो सुसाइड करने पर आते हैं या फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो हमेशा हैकर्स के जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई जिसके बारे में मैंने अभी बताया, ये आपकी मदद किस तरह से कर सकती है, और अब तक रिपोर्ट्स की माने तो 50,000 से ज़ायद सिटीजन्स को जो है साइबर सिक्योरिटी में उनको असिस्ट किया गया है। और इसमें विक्टम्स की अगर बात करें पूरे मुल्क में 4.3 लाख विक्टम्स को सेव भी किया गया है। और अगर बात करेंगे यहाँ पर ये जो इस वजह से कितने सारे लोग, अगर ऑफिशियल्स की बात करें, मिनिस्टर्स की बात करूँ, सिर्फ मिनिस्टर्स हैं जिनके अकाउंट और जिनको साइबर सिक्योरिटी का ब्रीच रहा और उसके बाद इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की वजह से जो है कहीं ना कहीं उन्हें मदद हासिल हुई और उनके अकाउंट्स वापस लाए गए। आपको बताऊं कि इसके साथ साथ कई सारे ऐसे ऐप्स हैं, गवर्नमेंट बार बार लोगों को जो है ताकीद करती रहती है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से उनका इस्तेमाल ना किया जाए। क्यों? क्योंकि इससे या तो आपके बैंक अकाउंट्स खाली हो सकते हैं या तो आपकी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। लेकिन ऐसे लिंक्स से बचने के लिए भी गवर्नमेंट ने हर लिहाज से कोशिश की और उन लिंक्स को जितना हो सके उतना बैन कर दिया गया। अगर यहाँ पर मोबाइल फोन्स की बात करूँ, आपको बताऊँ साल 2020 में 3.2 लाख सिम कार्ड्स को इसीलिए बैन करा गया ताकि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में, या फिर अगर यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो जो लोग साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं उनकी जो सिम्स है उन्हें जो है ब्लॉक कर दिया गया। मिनिस्ट्री की तरफ से अगर ख्वातीन के लिए बात करें तो मिनिस्ट्री की तरफ से साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन यानी CCPWC ऐसी स्कीम बनाई गई, लॉन्च की गई। कई सारी ऐसी ख्वातीन हैं जो ये सोचती हैं कि साइबर सिक्योरिटी में या अगर आपको मोबाइल फ़ोन से या सोशल मीडिया की वजह से कोई इस तरह का खतरा रहता है तो हम क्या करें। आपको एक नंबर बताती हूँ, 1930 एक ऐसी हेल्पलाइन है जिसको आप कभी भी इससे जो है आपकी हेल्प हो सकती है। अगर आपको कोई साइबर सिक्योरिटी का ब्रीच लग रहा है तो इस की मदद से आप जो है किसी भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें हर दिन की इसी हेल्पलाइन नंबर की, आपको बता दूं कि 50,000 से ज़ायद 1930 जो ये हेल्पलाइन नंबर जो मैंने आपको बताया कि पूरे मुल्क में इस नंबर का इस्तेमाल साइबर सिक्योरिटी में अगर आप कोई मुसीबत को आती है तो ये नंबर डायल कर सकते हैं। और इसमें अगर बात करेंगे आदत शुमार की,
दिन भर इसी नंबर पर 50,000 से ज्यादा कॉल्स रिसीव होती है लड़कियों की शिकायतों की, बाकी आम जनता की शिकायतों की। वही अगर बात करूं मैं आपको बता दूं कि यहां पर 29,00,000 कंप्लेंट्स जो है अब तक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग इसी पोर्टल में रिपोर्ट की गई है, और इसमें अगर देखें तो 50,000 से कई ज़ाई कंप्लेंट्स को सॉल्व भी किया गया है। आपको बता दूं कि यहां पर अगर देखें तो हर साल अक्टूबर मंथ में जो है साइबर सिक्योरिटी का दिन मनाया जाता है, जहां पर लोगों को अवेयर किया जाता है कि साइबर सिक्योरिटी में या साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं इनसे किस तरीके से बचा जाए। ये दिन जो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है, लेकिन अब तक अगर देखें तो मुल्क में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उतनी मजबूत नहीं हुई। लेकिन मैंने जिस तरह पहले ही बताया कि अमित शाह की तरफ से जो कोशिशें रह रही है कि जो साइबर क्राइम्स है उन्हें रोकने से उन्हें रोका जाए, और किस तरीके से मुल्क में टेक्नोलॉजी अगर परवान चढ़ रही है उसके तहफ़ के लिए काम किया जाए, ताकि मुल्क एक तो तरक्की याफ्ता हो, तरक्की याफ्ता होने के साथ साथ लोगों की प्रोटेक्शन, लोगों की प्राइवेसी भी ब्रीच ना हो। द संडे गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के जानकार रमेश खालसा लिखते हैं कि देश को इस वक्त साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी मजबूत से मजबूत तर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त देश टेक्नोलॉजी की नई राहों को छू रहा है।